हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 मैथ्स के लिए 12th क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही यूज होते हैं इस चैप्टर में। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको एडजॉइंट निकालना इस चैप्टर में सीखना है और एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सीखना है। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर आने चाहिए जो हमने इससे पिछले वाली क्लास में डिस्कस किए थे। तो पहले हम इस 2/2 का कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर को कैसे बदल देते हैं एडजॉइंट में वो देखेंगे, और फिर एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। ठीक है, 4 के आसपास। तो इसका हमको लिखना है कोफैक्टर। तो पहले हमको कोफैक्टर लिखना है किस एलिमेंट के लिए, 1 के लिए, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हमारा है 1। तो कोफैक्टर लिखेंगे हम पहले ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ देना है, बचेगा जो वो आ जाएगा 4। ठीक, उसी तरह 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, तो आएगा हमारे पास 3। पर हमने पहले देखा था जब यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों को ऐड करके जब भी ओड नंबर आता है तो माइनस अपनी तरफ से लगा देना है। ठीक, फिर आता है यहाँ पे ए 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मिलेगा हमको 2, और यहाँ पे भी लगेगा माइनस क्योंकि 2 + 1 3 होते हैं। तो 1 2 2 1 इनमें लगता है, 2 3 या 3 2 इन दोनों में माइनस लगता है। ठीक है, अब आते हैं 2 2 2 और 2 4 होते हैं, तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमको मिलता है 1। अब देखो बच्चों, अगर हम नॉर्मल मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगी सेकंड, पर हमको इसका ट्रांसपोज करना है तब बनेगा हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम, तो 4 - 3, माइनस के 2 और प्लस के 1, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया ये। वैसे 2/2 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन बदल देने हैं। ठीक, तो अगर 2/2 का इनवर्स भी निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना सॉल्यूशन के भी। ठीक, अब आते हैं 3/3 मैट्रिक्स में। अब बच्चों हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 3 5 0 1। ठीक, सोल्व करते हैं अभी थोड़ी देर में। अब लिख लेते हैं ए 1 2, तो ए 1 2 में माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, फिर आता है हमारा ए 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 - 2 0, 2 3 - 2 0। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया पर समझ जाना बच्चों। ठीक है, अब आते हैं 2 1, ठीक है, इसमें भी माइनस लगाना होगा, 2 और 1 3 होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट बचेंगे -1 2 0 1। ठीक, फिर आता है ए 2 2, कोई माइनस की जरूरत नहीं है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, फिर आता है ए 2 3, तो माइनस लगाना होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 1 - 2 0, 1 - 1 - 2 0। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं ए 3 1, 3 और 1 4 होते हैं, तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिलेगा -1 2 3 5, -1 2 3 5। अब आते हैं ए 3 2, माइनस लगाना होगा, 3 और 2 5 होते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 2 5, 1 2 2 5, फिर आता है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करना है हमको एक एक करके। जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 - 0 तो 3 मिलेगा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमको -2 + 10, मतलब कि -2
12, यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 3, 0 प्लस 6, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 6। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 इधर से 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 4 कितना होता है, 1 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5। इसको सॉल्व करोगे 0 माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा, देखो इसको 0 माइनस 2 मतलब कि प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं माइनस 5 माइनस 6 तो माइनस के 11। इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 4, 5 में से 4 गए तो बचता है 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 1। उसी तरह 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 5। ठीक, अब देखो बच्चों इसी को हमको लिख लेना है कोफैक्टर की। ठीक है, अगर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम, तो 3 माइनस 12 6, 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 और 5। ठीक है, ये होगा हमारा एडजॉइंट। ठीक है बच्चों, तो शुरू शुरू में आपको ऐसे ही करना है ताकि गलत ना हो कुछ पॉइंट पर। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट करते हैं तो इनको ना बना के तो कहीं ना कहीं माइनस की गलती हो जाती है और पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान रखना है कोफैक्टर लिखते टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलती ही यहाँ पे होती है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड। देखो बच्चों, अब हमें इनवर्स निकालना सीखना है। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता है समझो। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई इसी के इनवर्स के साथ करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो, अगर मुझको 5 को 1 बनाना है, सिंपल समझो, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो इनवर्स एक तरह से समझो कि मैट्रिक्स को इनवर्स करोगे तो, मतलब ए का इनवर्स क्या है, मतलब वो हमें मैट्रिक्स निकालनी है जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स इसी के अंदर से निकालो कि उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके हर जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, तो इनवर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है इनवर्स का, ये याद रखना, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह इसी फॉर्मूले का यूज करना है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले वही निकालना है। तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 + 8, तो ये 14 आ गया, जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब आगे हम बढ़ सकते हैं। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो उससे पहले कोफैक्टर निकालते हैं इसके। कोफैक्टर A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो हमें मिलेगा क्या, 3 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमको मिलेगा माइनस के 4। अब बात करते हैं 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 2, और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि एक माइनस हमको अपनी तरफ से लगाना है। फिर आते हैं A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मिलेगा हमको 2। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हैं, इसी का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, 3 माइनस के 4 2 2। ठीक है, अब बस अपने फॉर्मूले में लिख लेना है, मतलब एडजॉइंट को डिवाइड कर देना है 14 से, तो 1/14 3 2 माइनस के 4 और 2, तो ये हो गया हमारा इनवर्स। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का तो फिर भी काफ़ी आसान है, बस क्या करना होता है, इन दोनों का इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन बदलने हैं जो हमने बदल दिए, ये तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। मेन क्वेश्चन आते हैं 3/3 से, ठीक है, उसको करने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है 7, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, वही हमको इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट होता कितना है।
क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो हम आगे करने का कोई फायदा नहीं है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले वन का निकालेंगे तो वन बाहर रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा टेन, या आप ऐसे कह सकते हो कि टू फोर जीरो फाइव, ठीक। अब जब सेकेंड एलिमेंट से निकालते हैं तो माइनस अपनी तरफ से लगा देते हैं, इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे तो जीरो जीरो फोर फाइव प्लस थ्री। अब थ्री के लिए निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो चले जाएगी तो जीरो टू जीरो जीरो। सोल्व कर लेते हैं, इधर से मिलेगा दस, इधर से मिलेगा जीरो, और इधर से भी मिलेगा हमको जीरो। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया टेन, तो आगे किया जा सकता है। अब लिखते हैं यहाँ पे कोफैक्टर ए वन वन। अच्छा, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट पे एक ही चीज़ की कमी है, एक ही चीज़ का अंतर है। डिटरमिनेंट निकालते टाइम वो एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाता है जिस एलिमेंट के लिए हम लिख रहे हैं, और कोफैक्टर में ऐसा नहीं होता। तो कोफैक्टर में सबसे पहले ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गए चार एलिमेंट, टू फोर जीरो फाइव। फिर आता है हमारा ए वन टू, माइनस लगा लेना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो जीरो जीरो चार पाँच, जीरो जीरो चार और पाँच। फिर लेते हैं ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो जीरो जीरो टू जीरो। चलो ये आते हैं ए टू वन, ए टू वन होगा तो माइनस लगाना होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो दो तीन जीरो पाँच, दो तीन जीरो पाँच। ए टू टू, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो एक जीरो तीन पाँच, एक जीरो तीन पाँच। अगला आता है ए टू थ्री, माइनस लगा लेना, सेकंड रो थर्ड कॉलम वन टू जीरो जीरो, वन टू जीरो जीरो, ठीक। थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब आते हैं ए थ्री वन। हाँ, ए थ्री वन के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम टू थ्री टू फोर, टू थ्री टू फोर, ठीक है। अब आते हैं थ्री टू, माइनस लगा लेना, थर्ड रो सेकंड कॉलम वन जीरो थ्री फोर, वन जीरो थ्री फोर। अब आते हैं ए थ्री थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो वन टू जीरो। अब इसको सोल्व करना है और हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, टेन, ठीक है, टेन माइनस जीरो तो टेन होता है। इधर मिलेगा हमको जीरो, इधर मिलेगा जीरो, इधर मिलेगा कितना, इधर से आएगा टेन तो माइनस के टेन, इधर से कितना आएगा फाइव, इधर से कितना आएगा जीरो और जीरो तो ज़ीरो, इधर आएगा आठ में से छः गए तो दो, इधर चार में से जीरो गए तो माइनस के फोर, क्योंकि माइनस बाहर है, इधर आएगा टू, ठीक है। ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अच्छा बच्चों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे एडजॉइंट, एडजॉइंट, हाँ एडजॉइंट लिखते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, टेन जीरो जीरो, माइनस के टेन फाइव जीरो, टू माइनस फोर टू, ठीक है। और इन्वर्स कैसे लिखते हैं, वही एडजॉइंट को डिवाइड कर देना है टेन से, तो वन बाय टेन, सेम ये वाली मैट्रिक्स उतार देनी है, जीरो जीरो, माइनस के टेन फाइव जीरो, टू माइनस फोर टू, ठीक है। तो इतना ही सिंपल था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट, इसका भी हमको इनवर्स निकालना है। सबसे पहला काम हमारा डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट पहले वन के लिए निकालेंगे तो थ्री जीरो टू माइनस वन, बाकी ये दो एलिमेंट जीरो है तो ये समझो कि इधर जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है। जब बाहर ही जीरो रख देंगे तो मल्टीप्लाई करके अंदर कुछ भी आता रहे जीरो ही आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा माइनस के थ्री, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और आगे हम इसको कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए वही वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा थ्री जीरो टू माइनस वन, वन टू, माइनस लगा लेना, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम तो 3, 5, 0, -1, फिर आता है A13, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3, 3, 5, 2, फिर आते हैं हम 2, 1, माइनस लगा लेना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, 0, 2, -1, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, 0, 5, -1, 1, 0, 5, -1, फिर आते हैं A23, माइनस लग जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1, 0, 5, 2, फिर आता है 3, 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, 0, 3, 0, A32, माइनस लगा लेना, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो आ जाएगा 1, 0, 3, 3। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -3, क्योंकि इधर से 0 जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -3 और ये हो जाएगा +3। इधर आएगा 6 -15 तो -9। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0, इसको सोल्व करेंगे आएगा तो -1, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -2, इधर आएगा 0, इधर भी 0, इधर आएगा 3। ठीक है बच्चों, अब इनको यूज करके लिख लेते हैं अपना एडजॉइंट। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम -3, थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ -3, 3, -9, 0, -1, 2, 0, -1, -2, 0, 0, 3। ठीक है, चलो अब एक इनवर्स भी लिख लेते हैं, बस हमको 1/-3, माइनस चाहे ऊपर लिखो एक ही बात है, -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। तो ये आ गया हमारा इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इनवर्स। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करोगे तो गलती होने के चांस 99% कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 रखेंगे बाहर, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो 0 का इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आगे काम कर सकते हैं। अब लिखते हैं हमको कोफैक्टर, ठीक है, A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है तो हमको मिलेगा ये कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब आते हैं 1, 2, माइनस लगा लेना, हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 0, 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो 0, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। फिर आते हैं A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0, 0 कोस और साइन साइन अल्फा। चलो अब आते हैं A21, माइनस लग जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, 0 साइन और कोस। ठीक है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, 0, 0 कोस अल्फा 1, 0, 0 माइनस कोस अल्फा। A23 माइनस लग जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, 0, 0 साइन 1, 0, 0 साइन। ठीक है, अब आते हैं A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0, 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। A23, 3, 2 माइनस लग जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, 0, 0 साइन 1, 0, 0 साइन अल्फा। लास्ट आता है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, 0, 0 कोस अल्फा 1, 0, 0
कोस अल्फा, ठीक है। अब हमें करना है इसको सोल्व, ठीक है बच्चों। इधर इसको सोल्व करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये होता है माइनस का वन, ठीक। इधर मिलेगा जीरो, ये मिलेगा जीरो जीरो, इधर मिलेगा माइनस कोस अल्फा, इधर मिलेगा माइनस साइन अल्फा, इधर जीरो, इधर माइनस साइन अल्फा और इधर कोस अल्फा, ठीक है। अब लिखना है हमको एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, माइनस वन जीरो जीरो जीरो, माइनस कोस माइनस साइन, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये आ गया हमारा एडजॉइंट, ठीक है बच्चों। अब हमें इसका इन्वर्स लिखना है, तो बस हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब वन बाय वन, जीरो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अगर हम चाहे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, बाकी वहाँ तक भी जाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये है हमारा इनवर्स, ठीक है बच्चों। बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है बच्चों। इसमें चाहो तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे और ये भी प्लस का, बस कोस ये रह जाएगा माइनस का, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इससे रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।